हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड बियॉन्ड। आई एम बैक विद अनदर वीडियो एज यूजुअल, लेकिन आज का वीडियो कोई मेकअप वीडियो या मेकअप प्रोडक्ट्स वाला वीडियो नहीं होने वाला है। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट अ फेस पेंटिंग पैलेट। नाउ आई एम वेरी न्यू टू दिस फेस पेंटिंग थिंग। लाइक आपने जो पिक्चर देखा होगा इन द थंबनेल, दैट इज लाइक माई थर्ड फेस पेंटिंग फोटो और व्हाटएवर। अब इंडिया में फेस पेंटिंग पैलेट मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इंडिया में अभी तक आई फील कि उतना ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुआ है, एंड द पैलेट विच आर देयर उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, ताकि एज अ बिगिनर, लाइक मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है फेस पेंटिंग के बारे में, सो एज अ बिगिनर आई ऑलवेज वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन समथिंग जिसका प्राइस कम हो। लाइक अगर मैं उसको कर भी ना पाऊँ तो ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट। Then my friend Shilpa, I'll leave her link in the description box. So she suggested me कि ये यू कैन वी का एक पैलेट है। दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज देयर क्रूज पैलेट, फेस एंड बॉडी पेंटिंग पैलेट। ये है फ्रॉम द ब्रांड यू कैन वी। आपको ऑलरेडी इस ब्रांड के बारे में कुछ पता होगा, क्योंकि इट्स वेरी पॉपुलर। ये लोग बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे आई शेडो पैलेट्स एंड एवरीथिंग प्रोड्यूस करते हैं। सो यू मस्ट बी ऑलरेडी अक्वेंटेड विद द नेम यू कैन बी। बट दिस फेस पैलेट इज लव 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 लव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से लिया। सो आई गॉट दिस फेस पैलेट फ्रॉम अ वेबसाइट नेम्ड कफ्स एंड लैशेज। मैं उसका भी आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो दिस इज अ पैलेट आई गॉट फ्रॉम देयर। इसका प्राइस है 1500 या 1600 समथिंग लाइक दैट। बट मुझे ये मिला है इन 999, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। और इसमें 15 शेड्स है, लाइक 15 कलर्स है इसमें। इट इज़ वेरी लाइक बटरी, इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा बटरी है, एंड यू कैन मिक्स एंड मैच कलर्स विद दिस। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे कलर्स हैं, लाइक यू कैन सी, बट यू कैन ऑब्वियसली मिक्स एंड मैच, क्योंकि जैसे हम लोग बचपन में कलर्स के साथ करते थे ना, ड्राइंग करते टाइम यू वी मिक्स लाइक सपोज येलो विथ ब्लू एंड देन वी गेट ग्रीन। सो इट्स लाइक दैट, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विद दिस। प्लस इसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा। लाइक यू कैन जस्ट रिमूव इट विद अ वेट वाइप, या फिर यू कैन जस्ट रिमूव इट विथ योर ऑयल बेस्ड, जो आपका जो रिमूवर होता है, मेकअप रिमूवर जो ऑयल बेस्ड होता है, यू कैन जस्ट रिमूव इट विथ दैट। सो दिस इज हाउ द कलर्स आर, दिस इज हाउ द लुक। इसमें दो शिमर शेड्स हैं, दिस एंड दिस। अब अगर आपको इससे भी ज़्यादा कलर्स चाहिए, देयर इज़ एन ऑप्शन, लाइक इसका एक बड़ा वर्शन भी है, सो यू कैन गेट दैट। बट फॉर अ बिगिनर, अगर आप लाइक अभी ही स्टार्ट कर रहे हो फेस पेंटिंग, सो दिस इज अ पैलेट यू शुड गो फॉर। नाउ आई विल बी स्वॉचिंग ऑल द कलर्स फॉर यू, एंड देन वी विल बी सॉर्टिंग आउट द प्रोज एंड द कॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्वॉचिंग। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट आई टेक दिस शेड, दिस इज वन स्वाइप, एंड दिस इज हाउ द कलर लुक्स। इट्स एन ऑरेंज काइंड ऑफ अ कलर, ऑरेंज काइंड ऑफ, क्या ऑरेंज ही कलर है, बट इट्स अ बिट डार्क ऑरेंज। नाउ कमिंग टू द ब्लू, यू सी हाउ बटरी दीज आर। लाइक आप एक स्वाइप में यू कैन गेट द कलर, एंड इट्स वेरी बटरी, प्लस इट्स वेरी ब्लेंडेबल। लाइक आपको अगर कोई दो कलर्स मिक्स करना हो, इट्स वेरी गुड। दिस इज अ शिमर शेड, दिस इज हाउ इट लुक्स। स्वाइप वंस मोर, एंड दिस इज हाउ इट इज। इसके बाद वाला जो है वो है एक सिल्वर शिमर शेड, दिस इज हाउ इट लुक्स। एक्चुअली ये जो शिमर शेड्स है, ये ज़्यादा काम में नहीं आते अभी तक, लाइक मैंने जो जो किया उसमें ज़्यादा काम में नहीं आया, सो आई हैवंट यूज दैट।
सबसे ज़्यादा जो काम का चीज़ है दैट इज दिस वाइट शेड. लाइक यू नीड वाइट फॉर लाइक एवरी थिंग. सो आई एम जस्ट गोना बी स्वॉचिंग द वाइट. इट्स नॉर्मल वाइट कलर. आप अगर मेरे वाइट को देखेंगे, सी इट हैज़ लाइक द रेनबो फील टू इट, क्योंकि मैंने वो आइसक्रीम वाला लुक बनाया था. कमिंग टू द नेक्स्ट रो, इट्स अ बर्गंडी एंड मरून काइंड ऑफ अ कलर. लाइक बर्गंडी और मरून को अगर मिक्स कर दो तो ऐसा टाइप का कोई कलर आएगा. आई फील लाइक दैट. This is the green color. Coming with the black, और एक color जो कि बहुत ज्यादा use होता है in face painting. ये है the wooden और the brown color. This color, like थोड़ा सा pink and थोड़ा सा orange मिला के जैसा color होता है, that is that color. Now let's talk about the pros and the cons. Pros, first of all, it's very inexpensive and India में तो आपको ऐसा कोई और palette I don't think आपको मिलेगा इस price. Second, it has a wide color variety. Like आपको इसमें blue, green, ऑरेंज, पिंक, वाइट, ब्लैक सब कुछ मिल रहा है. सो द वैरायटी इज रियली ह्यूज. यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ लुक्स विद दिस कलर. थर्ड, इट्स वेरी ब्लेंडेबल. लाइक इट्स बटरी. एक स्वाइप में आपका कलर आ जाता है एंड आप उसको ब्लेंड कर सकते हैं बहुत इजीली. नाउ कमिंग टू द कॉन्स. कॉन्स या डिसएडवांटेज जो है वो एक ही चीज़ है कि लाइक आई विल नॉट लाई बट ये ड्राई नहीं होते. ये जैसे है ऐसे ही ऑयली रह जाते हैं. मोस्टली बिकॉज ये एक ऑयल बेस्ड पेंट कलर है सो ये ऑयली रह जाता है. दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम आई हैव विद दिस पैलेट. अगर ये थोड़ी देर बाद खुद से ड्राई हो जाता तो दिस वुड हैव बीन द बेस्ट पैलेट यू कैन गेट आउट देयर. लेकिन यही प्रॉब्लम है कि इट डजंट ड्राई डाउन. इसका और एक प्रो मैं आपको बता देती हूँ एंड दैट इज़ कि आपके फेस पे ये कुछ प्रॉब्लम नहीं करता. लाइक अगर आप सोच रहे होंगे कि ये आपको फेस को हार्म करेगा या नहीं, नहीं करेगा. मेरा बहुत ही एक्ने प्रोन फेस है एंड इट हैज़ नॉट लेट टू एनी ब्रेकआउट और एनी सच सॉर्ट. सो यार, दैट वाज टुडेज़ वीडियो. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई होप यू गो आउट एंड बाय दिस पैलेट विच इज़ ब्यूटीफुल. बस एक ही कॉन है बट आई थिंक वी कैन मैनेज दैट, क्योंकि और कुछ अवेलेबल नहीं है. सो वी हैव टू जस्ट डू विद दिस